ठीक है। जय हिंद दोस्तों, 3 बज गए हैं, बच्चे भूखे प्यास लगातार है और पॉपकॉर्न पे इनका जिंदगियां चल रही है, भूखे प्यास लगातार है। इनसे मैं अभी बातचीत करते कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस का बात आयोग मानेगा या नहीं, सीएसबीसी आखिर क्या करेगा, सभी बच्चे सभी हम बातचीत करना चाहते हैं, अब इनका आखिरकार क्या होगा। तो आप लोग लगातार सुबह से 3 बज गया मैम, अभी तक आप लोग भूखे प्यासे हैं, एक पॉपकॉर्न पे जिंदगियां बीत रही है जिसको कहते हैं 10 रुपए का पॉपकॉर्न, अब आगे क्या होगा, अब लग रहा है आज लग रहा है कि निर्णय लेकर ही जाइएगा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, जब लग रहा है आज हो ही जाएगा, नहीं चलेगा जब तक हमारे बात को माना नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आज क्या लग रहा है कि रात तक आप लोग धरना पर ऐसे ही बैठे रहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम 2 दिन तक बैठेंगे, 5 दिन तक बैठेंगे, लेकिन यहाँ से अपनी मांग पूरी करवा के ही जाएंगे। आप कहाँ से आए? मैं छपरा से आई हूँ। छपरा से है, इतना दूरी तय करके आए हैं और यहाँ पर आप लोग का 2 बज गया है, सुबह से 2-3 बज गया है, क्या लग रहा है कि ये मामला सीएसबीसी आज फैसला कंप्लीट कर पाएगा? उनको करना ही पड़ेगा, हम लोग इतना सुबह से आए हुए हैं, उनको तो सोचना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे नहीं भी आए हैं और सैकड़ों बच्चे का उपस्थिति यहाँ पर हो गई है। अमित सर हमारे साथ है, बाकी सब सर भी निकल चुके हैं, फिजिकल टीचर मना कर दिए हैं, जैसा कि लगातार कमेंट में हम लाइव थे और लगातार हम सुबह से अपडेट दे रहे हैं, फिजिकल टीचर ने मना कर दिया। आप लोगों को भी ऐसा फिजिकल टीचर के द्वारा मना किया गया था? हम लोगों के लिए मना नहीं किया गया, जैसा टीचर के द्वारा लगातार कमेंट में आ रहा है कि फिजिकल टीचर मना किए हैं। तो आप लोगों के सभी लोग जो आए हैं, आप लोग कहाँ से आए? मैं गोपालगंज से। गोपालगंज की इतना दूरी तय करके आए हैं और क्या लग रहा है कि आज एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मामला सुधर जाएगा? अगर सरकार हमारे हित में सोचेगी तब तो सुधर जाएगा, सरकार अगर हमारे लिए काम कर रही होगी जनता के लिए तब तो सुधर जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आज मामला हो जाएगा कंप्लीट? आज करना ही पड़ेगा, हम लोग अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही धरना पे बैठे रहेंगे, नया एनसीएल ईडब्ल्यूएस जारी करना ही पड़ेगा सरकार को आज। अभी और कुछ बच्चे से बात करते हैं और बातचीत करना चाहते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आज मामला सुधरेगा? अमित सर से उम्मीद है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, अमित सर से बहुत उम्मीद है। एक बात हम बता देते हैं कि आज ही फैसला होने वाला है, जो भी होगा और अमित सर करेंगे। देखिए, एक रहमान सर छोड़ के चले गए, तो क्या लग रहा है कि वो साथ देंगे हम लोगों को? हम लोग को नहीं लग रहा कि रहमान सर साथ देंगे, क्योंकि यहाँ स्कूल नहीं है कि आके अटेंडेंस बना के चले जाना, ये आंदोलन हो रहा, धरना प्रदर्शन हो रहा, आपको यहाँ पर टिकना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो अब ये मन बना कर ये कि हमको अपना बात मनवा के यहाँ से जाना है, हम करोड़पति के अगर बाल बच्चे रहते तो यहाँ पर रोड पर कैसे बैठ जाते? रहमान सर तो 2 दिन से बोल रहे थे कि हम अनशन करेंगे, हम जान दे देंगे, आप आए आधा घंटा में आप चले गए, तो हम लोग बच्चे बेवकूफ है, आपके बात पे आ गए क्या बेवकूफ? मुझे सुनने में लगातार कमेंट में आ रहा है कि रात से फिजिकल वाले टीचर सभी को मना किए हैं, फिजिकल वाले टीचर बहुत सारे फिजिकल वाले टीचर मना किए हैं, आप लोगों के साथ वैसा लग रहा है? हो सकता है क्योंकि बच्चा लोग नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यही निकलता है कि फिजिकल वाला टीचर मना किए, क्योंकि पटना का स्टूडेंट एक भी नहीं है जो गांधी मैदान में फिजिकल कर रहा है, 30,000 लाख अभी भी गांधी मैदान में फिजिकल चल रहा है, यानी कि हाँ बिहार फिजिकल एकेडमी, बिहार फिजिकल एकेडमी के टीचर, कमांडो फिजिकल एकेडमी। आप लोग कौन सा फिजिकल एकेडमी से, जरा अपना नाम बताइए। आकांक्षा कुमार। आपका कौन सा फिजिकल एकेडमी? गुरुजी टेक। कुछ बच्चे जो कि गुरुजी से भी मौजूद हैं, पर मार्कोस वाला फिजिकल एकेडमी वाला बच्चे ने अभी कुछ लड़के से भी बातचीत करते हैं और उनका क्या कहना है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है सर, एजेंसी डब्ल्यूएस का मुद्दा सुधर जाएगा? सुलझना तो चाहिए, हमारा मांग यही है। रात तक आप लोग बैठे रहिएगा धरना पे लगातार? तक नहीं, जितनी तक नहीं सुलझेगा जब तक बैठे रहेंगे हम लोग। अमित सर का साथ आप लोग के साथ लगातार बना हुआ है, तो लग रहा है अमित सर पे भरोसा है आप लोग? 100% भरोसा है अमित सर पे। बाकी सब टीचर कहाँ गए? सब टीचर लोग अपना अपना बच्चा लोग को लेके भाग गया है, ठीक है, खाली फरमाता है वहाँ पे गांधी मैदान में। सब सारे टीचर लोग फोटो खिंचवा करके अपने अपने रूम पे जा करके कम्बल ओढ़ करके सो रहे हैं और कंबल के अंदर से लाइव वीडियो देख रहे हैं बस, और सारे बच्चे लोग का भी यही हाल है। और सीएसबीसी के जो चेयरमैन हैं वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किए थे कि जो भी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा है वो 2022 और 2023 का चाहिए फाइनेंशियल ईयर का, इसके लिए हम लोग के पास नहीं है, नहीं तो हम लोग के पास भी रहता है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस 2022-2023 का, इसके लिए 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर का लागू किया जाए और 2024-2025 का भी। इसलिए आपको नहीं होगा, ठीक ना?
आप क्या बोलना चाहते हैं? लग रहा है अमित से पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है पूरा। देखिए हम पूर्णिया से 400 किलोमीटर दूर से आए, जब तक मुद्दा सीएसबीसी के बोर्ड पर सीएसबीसी के साइट पर नोटिफिकेशन नहीं गिर जाता कि न्यू डेट का NCLEWS लागू होगा तब तक नहीं जाएंगे। रात का 3 भी बज जाएगा तो यहीं पे बैठे रहिएगा। 3 बजे रात तक पड़े हैं, 3 बजे रात तक पड़े हैं, 3 बजे रात तक आंदोलन करेंगे। इतना क्षमता है, रात है तो दिन है, बराबर है हम लोग के लिए। विद्यार्थी के लिए रात दिन नहीं होता है सर, सब इक्वल होता है। हम लोग बैठेंगे। अब देखिए बात दरअसल ये है कि 100 में 100 नंबर लगेगा ना बच्चा, फिर भी उसको नौकरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट बना है आरक्षण में और कटअप जाएगा मतलब कि OBC में, इसलिए करके दिक्कत हो जाएगा, सबको दिक्कत होगा, सबको छाट देगा। जिसका 20 जुलाई 2023 से पहले का नहीं है सबको छांटेगा और जनरल में नहीं भेजेगा। सबसे निवेदन है कि आपकी जनसंख्या ही हमारी जीत है, आपकी जनसंख्या ही हमारी जीत है, आपकी जनसंख्या यहाँ ऊपर आइए तब हम लोग जीत पाएंगे। सर CSBC से आप बात मनवा लीजिएगा, लग रहा है आपको चांस लग रहा है सर, चांसेज है बच्चे? देखिए सर हम लोग अपना कोशिश करेंगे, मानना तो पड़ेगा और लड़कों का हित की बात है, अहित नहीं होना चाहिए। और लड़के नहीं हमारे भाई हैं छोटे छोटे, और हम इनके साथ बड़े बैठे रहेंगे जब तक नहीं होता है, हम बैठे रहेंगे। अमित सर भी लगातार धरना पे ऐसे ही जारी रहेंगे, बैठे रहेंगे। 5 साल मेहनत किए हैं, 5 दिन और करेंगे, क्या जाता है? बस 5 साल दे सकते हैं तो 5 दिन और देंगे, जब 5 साल दे सकते हैं तो 5 दिन और देंगे, 5 साल दे सकते हैं तो 5 दिन और देंगे। कमेंट में लगातार आ रहा था कि फिजिकल टीचर मार्कोस वाला सर नहीं भेजे, और फिर भी नहीं छोड़िए उसको, छोड़िए ठीक ना। बच्चे होशियार हैं, बच्चे को मालूम है कि पिछला वैकेंसी में क्या हुआ है, बच्चे को मालूम है, बच्चे भड़केंगे नहीं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चे आएंगे। और सुनिए गांधी मैदान के सभी जो शाम में कराते हैं, सबसे निवेदन है सब स्टूडेंट से, टीचर लोग को छोड़ दीजिए, अगर नहीं देते आने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोग आइए। आप लोगों सर क्या कहाँ से आए हैं बेसिकली? आपको कहाँ से आए? हम लोग तो मेरा घर समस्तीपुर है लेकिन हम लोग पटना में ही रहते हैं। समस्तीपुर से इतना दूरी तय करके अमित सर पर भरोसा? जी जरूर भरोसा है, तभी तो आए हैं। लग रहा है कि आज मामला सुधर जाएगा? क्या सर अमित सर के बारे में क्या बोलते हैं? ये तो लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, लग रहा है कि आज ये फैसला करवा देंगे कंप्लीट। अमित सर हम लोग का धड़कन है और धड़कन रहने का अर्थ है कि जीवित रहना, तो अमित सर जब तक है तो EWS NCL दोनों लागू होगा, हम लोग के पूर्ण रूप से विश्वास है, इसलिए अमित सर के साथ है। और CSBC को झुकना पड़ेगा कोई भी कीमत पे। सर अमित सर पे भरोसा है आपको? लग रहा है कि आज रात तक आयोग से बातें मनवा लेंगे? एकदम मनवा लेंगे, और उन्हीं पे भरोसा है, यहाँ के किसी टीचर पे, अब हम दिल से बोल रहे हैं, यहाँ पे पटना के किसी टीचर पे भरोसा नहीं है, न एकेडमी वाले पे और ना कोई रिटर्न टीचर पे। यहाँ पे खाली बैच जब फॉर्म आता है तो बैच बेचने के लिए, और जब सबका लग जाएगा वर्दी पहन लेगा तो 400-500 करेगा। यहाँ अमित सर अकेले 2023-22 से लगे हुए हैं और बच्चा के साथ यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं, न यहाँ पे कोई एकेडमी वाला आके चेहरा दिखा के चला गया, और गुप्त यहाँ पे तो मेरा चेहरा चमका के चला गया। और यहाँ पे हमको ये भी पता चल रहा है जो एकेडमी वाले टीचर खुद सारा गांधी मैदान के विद्यार्थी को मना किया है, जब वहाँ जाओगे अमित सर है और वहाँ पे जाओगे तो लाठी खाओगे और तुम पे केस हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा नौकरी चल जाएगा। इसके मना किया गया, ऐसा मना किया गया है। अमित सर हम का भी बात है, हम वहीं खड़े थे और सारा बच्चा को पूरा गोल करके सब टीचर बता रहा था। अमित सर हम लोगों के हित में बहुत बड़ा काम किए हैं, उन्हीं का देन है कि आज जितने भी बिहार के युवा हैं सभी का रिजल्ट हुआ है। अमित सर हम लोगों के लिए पूरा सपोर्ट, पुरजोर सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अमित सर का हम लोग जीवन भर ही नहीं रहूंगा। सबसे बड़ा दुश्मन हम बोलते हैं अगर विद्यार्थी के लिए कोई है तो फिजिकल ट्रेनर है। वो तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया तुम सोचो, उसको तो 40 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो महीना कमा रहा है वो कमा रहा है, अगला वैकेंसी आएगा उसके पास बचा जाएगा फिर कमाएगा, पर तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ गया? जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो दौड़ के क्या करेगा? तुम्हारा बाप तुम्हारा मतारी सारा भूखे प्यासे वहाँ पे जाकर के मर रहा है, खेत में जाकर के खन रहा है, और तुम यहाँ करके एक चुटपुटिया टीचर का बात मान ले रहे हो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि सभी लोग नहीं माने, अभी और कुछ बच्चे से बात करते हैं। और इनका क्या करना है, सुबह से शाम अभी तक बने हुए पटना के जितने भी टीचर हैं जो कहते हैं कि मेरे यहाँ 400 तरह का रिजल्ट हुआ,
कोई बोलता है 500 कर जल्दी हुआ, यहाँ कौन सपोर्ट करेगा, यहाँ कौन सपोर्ट करेगा, बोलता है 300 का रिजल्ट हुआ मेरे यहाँ, कोई बोलता है 500 का रिजल्ट हुआ, यहाँ कौन सपोर्ट करेगा, यहाँ सिर्फ एक टीचर आए हुए हैं, अगर आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर क्यों बोलते हैं कि यहाँ रिजल्ट हुआ, कौन आधार से बोलते हैं रिजल्ट हुआ, ये नहीं बोल सकते आप। हम पटना के जितने भी टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग नहीं तो आमरण अनशन करेंगे, और सीएसबीसी के अध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अपना निर्णय वापस लें और करेंट का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू करें। हमारे नीतीश कुमार महोदय की बात सच है कि हमारे नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में काफी वैकेंसी दी गई है, लेकिन ये जो नियम है ये अच्छा नहीं है स्टूडेंट के लिए, लगभग 50-60 हजार स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, तो प्लीज इस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कितने बच्चे अभी सुबह से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक पॉपकॉर्न पे जिंदगियां बीत रही है आप लोगों को, तो क्या लग रहा है रात तक पॉपकॉर्न और पानी पर काम चलेगा, के मर जाएंगे, वैसे भी भूखे, वैसे भी जिंदगी बर्बाद है, वैसे भी जिंदगी बर्बाद है, सरकार नौकरी नहीं देगा, वैसे भी इंसान पूरा युवा मरा हुआ है, सारा 18+ है, ये भी सरकार माइंड में ये फिक्स कर ले, एक बच्चा पे उसके परिवार का 7 से 10 आदमी है, तो अगला मई जून आने ही वाला है। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं बच्चे ने अपना एनसीएल ईडब्ल्यूएस पर सुझाव दिया और इन लोग का साफ कहना है कि सीएसबीसी को बात मानना पड़ेगा वरना रात का 3 भी बच जाएगा तो सभी बच्चे यहीं पे काम चलाएंगे और एक पॉपकॉर्न पर भी इनका जिंदगी चले तो चले। जय हिंद।